हाय दोस्तों, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो एक नया ब्लूटूथ स्पीकर को लेने का जिसमें आपको कमाल की साउंड क्वालिटी मिले और बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिले वो भी बजट में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मेवी की तरफ से लॉन्च हुए लेटेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर की। आप देख सकते हो ये है मेवी का ओक्टेव 3। ये वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों, जहां पे आपको काफी कमाल की साउंड क्वालिटी तो मिल ही जाती है, लेकिन इसमें जो फीचर्स है दोस्तों वो भी काफी तगड़े दिए गए हैं। तो आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये स्पीकर जो है किस तरह की साउंड क्वालिटी मिलती है इसमें और क्या क्या खास फीचर्स के साथ आता है। तो सबसे पहले बॉक्स देख लेते हैं, कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है। ऊपर में दोस्तों मेवी की ब्रांडिंग दी गई है और ओक्टेव 3 लिखा गया है, वायरलेस स्पीकर है। यहाँ पे दोस्तों डीप एंड पावरफुल बेस आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है और ये 100% मेड इन इंडिया है दोस्तों। पीछे इसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ हाइलाइटिंग स्पेक को मेंशन किया गया है, जैसे ये 360 डिग्री स्टीरियो साउंड आपको देता है जो आपको काफ़ी बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस देगा। इसके अलावा प्रीमियम बिल्ट विथ मेटालिक ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है और ये डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी है दोस्तों, तो ये काफी एक अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे जो बेस मिलते हैं वो काफी पावरफुल हैं दोस्तों और ये पोर्टेबल है और इजी टू कैरी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइसिंग को लेके बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली अमेजोन पे अवेलेबल है, जहाँ पे इसकी प्राइस 1799 रुपए है और आप मेवी इंडिया के ऑफिशियल साइट से भी इसको परचेस कर सकते हो। मैं लिंक आपको अमेजोन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये मेड इन इंडिया है दोस्तों। सो बॉक्स खोलते हैं, बॉक्स खोल के देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। तो बॉक्स खोलते ही दोस्तों ये हमें हमारा ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है। मेरे पास वैसे ब्लू कलर में है, इसमें आपको और भी कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो जो भी आपका पसंदीदा कलर हो। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलता है छोटा सा और एक ऑक्स केबल भी दिया गया है। सो अगर आप चाहें तो ऑक्स से भी कनेक्ट करके म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा एक यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कुछ मेवी के स्टिकर्स दिए गए हैं। अब सीधा आ जाते हैं हमारे स्पीकर की तरफ। तो स्पीकर की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है दोस्तों। और ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये स्पीकर का ये पूरा मेटालिक है, आपको काफी बढ़िया सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। ऊपर का अगर आप हिस्सा देखोगे ये तो ये वाला दोस्तों प्लास्टिक का है, आपको यहाँ पे वूफर मिल जाता है और जब इसमें म्यूजिक बजता है ना दोस्तों तो ये थोड़ा सा बाउंस करता है जो देखने में काफी कूल लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए एक यहाँ पे दे दिया गया है, तो इससे आप इससे हाथ में लेके कैरी कर सकते हो या फिर कहीं पे लगा के यूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सारे बटन्स दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑक्स केबल और चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे साथ में आपको पावर बटन देखने को मिल जाता है, प्ले पॉज का बटन देखने को मिल जाता है और वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। इस स्पीकर के साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूं, ये दोस्तों 16 वाट का एक पोर्टेबल स्पीकर है, यहाँ पे आपको 360 डिग्री HD स्टूडियो साउंड्स देखने को मिल जाता है और साथ में सुपर सॉलिड बेस भी दिया गया है। अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि यहाँ पे IP रेटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट भी है ये, तो थोड़े बहुत अगर आपके पानी के छींटे वगैरह पड़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई डस्ट वगैरह से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन ये वाला जो पार्ट है दोस्तों जहाँ पे ऑक्स केबल लगता है, इसको आपको ढक के रखना होगा, ये बंद करके रखना होगा, नहीं तो यहाँ से पानी अंदर जा सकता है। सो एक बार हम इसका साउंड टेस्ट ट्राई कर लेते हैं। भाई साउंड क्वालिटी की बात क्या ही करूं मैं, यहाँ पे आपको काफी गजब की साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। आप अगर 60-70% पे भी सुनोगे तो आपको काफी लाउड साउंड्स जो है सुनने को मिलेगा और अगर बैटरी लाइफ की बात करूं तो लगभग 60-70% या फिर 80% में आपको लगभग 7-8 घंटे का बैटरी बैकअप इजीली मिल सकता है। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है और ये आपके फोन से इजीली कनेक्ट हो जाता है। इसमें दोस्तों आपको इनबिल्ट माइक भी देखने को मिलता है जिससे आप कॉल वगैरह भी कर सकते हो और साथ में दोस्तों यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट दिया गया है। सो अगर देखा जाए तो 1799 रुपए के हिसाब से आपको काफी एक सॉलिड ब्लूटूथ स्पीकर देखने को मिल जाता है, जहां पे जो साउंड क्वालिटी है वो काफी कमाल की है, जो बेस आपको मिलते हैं वो काफी तगड़े मिल जाते हैं। ओवरऑल ये वाला स्पीकर मुझे 1799 रुपए के हिसाब से काफी बढ़िया लगा है और इसे आप कैरी करके कहीं ले भी जा सकते हैं और इसका बैटरी बैकअप भी आपको कमाल का देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप ढूंढ रहे थे एक ब्लूटूथ स्पीकर अंडर 2000 तो इस ब्लूटूथ स्पीकर की तरफ आप देख सकते हो। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा रिव्यू, आई होप कि आप सबको बढ़िया लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए इंजॉय करें।